Hey guys, welcome back to Sinja Tech. ये वीडियो होने वाला है comparison video between 3 mid-budget beast smartphone. ये अपने आप में एक beast है तीनों smartphone, क्योंकि तीनों smartphone में जो specification है वो one of the best specification है अगर बात करें इन price range की smartphone में. सबसे पहला phone है Redmi K30, जिसका हम comparison करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro, जो खुद Xiaomi ने बनाया है, versus Vivo V17, जो कुछ समय कुछ दिनों पहले launch हुआ है Vivo की तरफ से. दोनों companies Chinese companies हैं. फ़ोन की बात करें तो काफ़ी तगड़े फ़ोन हैं, काफ़ी तगड़े फीचर्स दिए तीनों फ़ोन ने, और प्राइस रेंज भी काफ़ी आसपास ही है दोनों की, तीनों की. तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन का और जानेंगे कि तीनों में से बेस्ट स्पेसिफिकेशन फ़ोन, बेस्ट मनी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन कौन सा है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में. तो तीनों स्मार्टफोन आते हैं अंडर 20,000 के प्राइस रेंज में, बट तीनों की जो डिज़ाइन है वो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन से कम नहीं है. बात करेंगे सबसे पहले हम Vivo V17 के स्मार्टफोन से कलर्स की, तो हमें मिलने वाला ग्लेशियर आइस और मिडनाइट ओशन कलर्स में. बात करेंगे नेक्स्ट Redmi Note Pro के कलर्स की, तो ब्लैक, रेड ब्लू, मिडनाइट ब्लू और इलेक्ट्रिक ब्लू कलर्स में देखने मिलेगा. और बात करेंगे हम Redmi K30 की, तो हमें हॉट पिंक, डार्क ब्लू, वायलेट और डिफरेंट कलर्स ग्रेडियंट में देखने मिलेगा. मेरा पर्सनल मानो तो मुझे Redmi K30 के जो कलर्स हैं वो काफ़ी पसंद आए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के साथ Redmi K30 उतरा है मार्केट में. तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तीनों ही फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में. तो सबसे पहले बात करेंगे हम Redmi K30 के डिस्प्ले के बारे में. Redmi K30 आता है 6.67 इंच के IPS LCD डिस्प्ले के साथ. नेक्स्ट बात करेंगे हम Vivo V17 के डिस्प्ले के बारे में. तो Vivo V17 आता है लिटिल बिट स्मॉलर 6.44 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ. लास्ट हम बात करेंगे Redmi Note 8 Pro के डिस्प्ले के बारे में, जो आता है 6.53 IPS LCD डिस्प्ले के साथ. अब डिस्प्ले की बात करूं तो Redmi K30 और Redmi Note 8 Pro दोनों सेम डिस्प्ले टाइप के साथ आ रहा है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास Vivo V17 जो बेटर सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है, बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें Redmi K30 को देना पड़ेगा, क्योंकि Redmi K30 आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ. ऑन द अदर हैंड हमारे पास है Redmi Note 8 Pro जो आता है 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ, और Vivo V17 जो भी आता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ. तो यहाँ पे बेटर डिस्प्ले कहूँगा Redmi K30 का, इवन दो LCD स्क्रीन के साथ आ रहा है, बट जो उसकी डिस्प्ले क्वालिटी है, रिफ्रेश रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर देने जैसा डिस्प्ले हमें Redmi K30 में यूज़ करके Xiaomi ने बताया है. तो यहाँ पे Redmi K30 डिस्प्ले के मामले में क्लियर कट विनर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे तीनों ही फ़ोन के कैमराज के बारे में. तो सबसे पहले आ जाते हैं Redmi K30 के कैमराज के बाद. तो Redmi K30 आता है वर्टिकली अलाइन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जो है 64+8+5+2 मेगापिक्सल के, फॉलोड बाय वाइड एंगल लेंस प्लस टेलीफोटो लेंस प्लस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्लस माइक्रो शॉट लेंस. नेक्स्ट Redmi Note 8 Pro की बात करें तो वो भी आता है वर्टिकली अलाइन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जो है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल फॉलोड बाय वाइड प्लस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे Vivo V17 के कैमरा के बारे में, जो है एल शेप में, जो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है कैमराज का, जो है 48+8+2+2 मेगापिक्सल फॉलोड बाय वाइड प्लस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस. अब बात करेंगे रियर कैमरा साइड की, तो Redmi K30 में हमें यूज़ करते हुए दिखा है शाओमी सोनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप लेवल सेंस कैमरा सेंसर, जो है सोनी IMX686, जो काफ़ी अच्छी इमेज पिक्चर इमेज डिटेल और फ्लैगशिप लेवल की इमेजेस हमें देता है. तो Redmi Note 8 Pro और Vivo V17 में इतने अच्छे कैमराज यूज़ करते हुए नहीं दिखा है कैमरा सेंसर हमें शाओमी और Vivo. तो यहाँ पे क्लियर कट अगर रियर साइड की बात की जाए तो Redmi K30 विनर है. बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की, तो हमें Redmi K30 में मिलता है डुअल पंच होल कैमरा 20+2 मेगापिक्सल का. तो बात करेंगे Redmi Note 8 Pro की, तो हमें 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है फ्रंट कैमरा की बात करें तो लास्ट Vivo V17 की बात करें तो हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है. अगर फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो इसमें भी हमें Redmi K30 क्लियर विनर दिख रहा है, क्योंकि एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा के साथ एक मेन सेंसिंग कैमरा है जो Redmi K30 को खास बनाता है और उसके कैमरास को खास बनाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे तीनों ही फ़ोन के चिपसेट्स के बारे में. तो Redmi K30 आता है लेटेस्ट फ्रेशली लॉन्च Snapdragon 765G के साथ. अब 765G को खास क्या बनाता है? 765 में हमें जो Adreno 620 मिलता है वो कई गुना फास्टर है. अगर हम बात करें
Vivo V17 के Snapdragon 675 की या फिर Redmi Note Pro के Helio G90T जो MediaTek ने बनाया है। बात करेंगे हम Snapdragon 675 की, क्लॉक करता है 2.4 GHz की स्पीड पे। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है मीडिया हीलियोटेक G90T जो क्लॉक करता है 2.05 GHz की स्पीड पे। एट लास्ट Snapdragon 675 जो Vivo V17 में यूज़ किया गया है जो क्लॉक करता है 2.0 GHz की स्पीड पे। तो चिपसेट के मामले में कोई टक्कर नहीं दे रहा है Xiaomi के Redmi K30 को। तो यहाँ पे भी क्लियर कट विनर Redmi K30 हमारे सामने है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा तीनों ही फ़ोन के स्टोरेज के मामले की बात स्टोरेज के बाद तो 6, 8 और 128 GB की स्टोरेज हमें देता है Redmi K30। Vivo V17 हमें 8 GB और 128 GB के वेरियंट में दिखेगा। एट लास्ट Redmi Note Pro में 6 GB, 8 GB और 64 128 GB की स्टोरेज दिखने देगा। तो अगर स्टोरेज की बात करो तो यहाँ पे तीनों ही फ़ोन काफ़ी सिमिलर है, बट बस यहाँ पे Vivo का V17 सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है जो है 8 GB प्लस 128 GB स्टोरेज। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तीनों ही फ़ोन के बैटरी की। तो हमें बैटरी में देखने मिलने वाला है, Redmi K30 की बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी देखने मिलने वाली है विथ 30W फास्ट चार्जिंग, जो काफ़ी इंप्रेसिव बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे Redmi Note Pro के बैटरी की, तो उसमें हमें सेम 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, बट जो चार्जिंग है वो स्लो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Redmi K30। चार्जिंग है 18W का। और लास्ट बात करूँगा अगर Vivo V17 की, तो यहाँ पे भी सेम हमें 4500 mAh की बैटरी देखने मिलेगी, बट जो चार्जिंग होगा वो 80W का होगा। तो Redmi की 8 Note Pro और Vivo V17 काफ़ी सिमिलर फीचर्स देखते हुए दिख रहे हैं, बट जो Redmi K30 है वो दोनों को एक्सेल करते हुए काफ़ी अच्छे फीचर्स हमें दे रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अगर सिस्टम की, तो Vivo V17 में कलर वाइज देखने मिलता है, तो दूसरी तरफ हमें Redmi Note Pro और Redmi K30 में MIUI का सपोर्ट देखने मिलता है। तो तीनों ही फ़ोन्स की मैंने बात कर ली है। Redmi K30 काफ़ी ज़्यादा आगे है दोनों फ़ोन से बात की जाए हर एस्पेक्ट में। अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो Redmi K30 आता है 20,000 अंडर अगर 4G और 5G वेरियंट की बात करें तो। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है Redmi Note Pro जो आता है 15,000, बट अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा देके Redmi K30 खरीदोगे तो आपको एक 5G वेरियंट तो मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड आपको Snapdragon जो फ्लैशली लॉन्च हुआ है 675G उसका सपोर्ट देखने मिलेगा विद गुड बेस्ट चिपसेट और बेस्ट कैमरा सेंसर और कैमरा जो Redmi K30 में यूज्ड है। और बात करूँ Redmi K30 की, तो हमें फास्ट चार्जिंग मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Redmi Note Pro और अच्छे 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने मिलेगा Redmi K30 में। दोनों Vivo V17 और Redmi Note Pro थोड़े भी ऐसा नहीं कह सकते कि ख़राब फ़ोन है। अगर Redmi K30 से बात की जाए तो Redmi K30 बेटर फीचर प्रोवाइड कर रहा है विद बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो मेरा मानना यही है कि Redmi K30 विनर होता है अगर हम कंपेयर करें Redmi K30 को Vivo V17 और Redmi Note Pro से। तो आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा मुझे बता देना कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बनाते रहता हूँ ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियो हर रोज़, तो अगर आपको ऐसे वो वीडियो रोज़ देखने हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ कल नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।